नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में फेसबुक के सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की तरफ नरम रुख रखने के खुलासे पर देश में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस में सियासी जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोदी सरकार पर हमलावर हैं, तो बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाल रखा है। इस बीच पूरे विवाद पर फेसबुक ने सफाई दी है। फेसबुक प्रवक्ता ने कहा कि हम हेट स्पीच को प्रतिबंधित करते हैं, फिर चाहे वो दुनिया के किसी देश या किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा क्यों ना हो। फेसबुक पर ऐसा कोई भी कंटेंट जो कि हिंसा को बढ़ावा देता है, लोगों के बीच नफरत फैलाता है, हम उसे प्रतिबंधित करते हैं। लेकिन हमें इस बात का भी एहसास है कि इस तरह के कंटेंट को और अधिक मॉनिटर और ऑडिट करने की जरूरत है। हम इसे सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट से शुरू हुई है। रिपोर्ट में भारत में फेसबुक के बीजेपी के प्रति नरम रुख रखने का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि बीजेपी के नेता टी राजा ने अपने फेसबुक पोस्ट में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसका विरोध फेसबुक के कर्मचारी ने किया था और इसे कंपनी के नियमों के खिलाफ माना था। हालांकि कंपनी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कहा, फेसबुक ने हेट स्पीच के नियमों के तहत बीजेपी नेता पर कार्रवाई नहीं की थी। फेसबुक को डर था कि इससे भारत में उसका ऑपरेशन प्रभावित हो सकता है। जैसे ही यह रिपोर्ट सामने आई, भारत में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस अब इसे मुद्दा बना चुकी है और बीजेपी पर हमलावर है। राहुल गांधी ने अखबार की कटिंग ट्विटर पर शेयर करते हुए बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी और आरएसएस का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है। वे इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाने का काम करते हैं। वे इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी फेसबुक से बीजेपी की सांठ गांठ होने का आरोप लगाया है। उधर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा, चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाते हुए आप रंगे हाथ पकड़े गए थे। कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक से आपका गठजोड़ पकड़ा गया था। ऐसे लोग आज बेशर्मी से हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासी माहौल गर्म है। अब देखना है कि ये मामला कहां जाकर खत्म होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।